नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं कि आरजेडी किन रणनीतियों पर काम कर रही है। मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें साझा करने जा रहा हूं जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल मेरे पास ये सूचना है कि आरजेडी की तरफ से संजय यादव ने अपने एक दूत को तेज तर्रार चर्चित आईपीएस ऑफिसर विकास वैभव के पास भेजा। दरअसल विकास वैभव के पास ये मैसेज भेजा गया कि आप हमसे बात करने आइए, और दरअसल उस मैसेज में ये था कि आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो आपको राज्यसभा की सीट से नवाजा जा सकता है या आपको अन्य माध्यम से पुरस्कृत किया जा सकता है। दरअसल विकास वैभव इन दिनों पुलिस सेवा में हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जिसको कहते हैं लेट्स इंस्पायर बिहार। वो हमेशा बिहार या बिहार के बाहर इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देकर वो चर्चा में रहते हैं। सवाल ये उठता है कि आरजेडी की नज़र तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर विकास वैभव पर क्यों पड़ी। दरअसल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, जिनके बेहद करीब और राज्यसभा के सदस्य संजय यादव ने अपने दूत को विकास वैभव के पास भेजा, तो विकास वैभव को अपने साथ जोड़ना क्यों चाहती है आरजेडी, इस बारे में हम आपको बताएंगे। और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जोड़ रहे हैं। बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकती है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अरुण कुमार, जो कि कई सारी पार्टियों में रह चुके हैं, पुराने समाजवादी नेता हैं, इस बार भी वो बीएसपी से चुनाव लड़े थे जहानाबाद से, और उनका जो मंसूबा था कि वो हर हाल में एनडीए के उम्मीदवार को हरा दें लोकसभा चुनाव में, वो हराने में कामयाब भी रहे। कहा यह जा रहा है कि अरुण कुमार को भी आरजेडी अपने खेमे में लेना चाहती है, लेकिन अरुण कुमार आरजेडी में नहीं जाना चाहते, वो कांग्रेस में जाना चाहते हैं। और कांग्रेस में जो पहले से मौजूद हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कि उसी बिरादरी से आते हैं, उन्होंने कांग्रेस में उनके आने पर इंट्री बैन कर रखा है। दरअसल वो जबरदस्त विरोधी हैं, क्योंकि अखिलेश प्रसाद सिंह को लगता है अरुण कुमार आएंगे तो उनके नेतृत्व पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा। तो दरअसल बहुत कुछ चल रहा है अंदर खाने। हम आपको बताएंगे कि जब आरजेडी ने अपना फिलर, अपना दूत तेजस्वी यादव के पास भेजा, तो बीजेपी ने उसके जवाब में क्या किया, ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि बीजेपी के भी दो बड़े नेता फिर मिलने गए विकास वैभव से। और उसके बाद जब विकास वैभव की मुलाकात एक शिक्षक दिवस के मौके पर दिलीप जायसवाल से होती है, ये पब्लिक कार्यक्रम था, पब्लिक डोमेन में है, हम वो विजुअल दिखाते हैं, तो जिस तरीके से दिलीप जायसवाल विकास वैभव की तारीफ करते हैं, उनके प्रशंसा में बहुत तरह के शब्द कहते हैं, वो सुनने लायक है। और उसके बाद दिलीप जायसवाल के द्वारा बोले गए शब्दों को जिस तरीके से विकास वैभव द्वारा जवाब दिया जाता है, आभार जताया जाता है, उसको भी आप सुनिए। तो बिहार की सियासत में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसको हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम आपको कहने जा रहे हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है। तो आइए पहले देखते हैं, सुनते हैं बाइट कि क्या बोला जा रहा है, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। रोशनी देने का काम किया है कि जितनी सराहना की जाए वो शायद कम होगा, क्योंकि ये यूथ आइकॉन कोई मामूली बात नहीं है। सरकारी जिम्मेवारी निभाते हुए समाज की जिम्मेवारी ढोना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इतना दर्द अगर ले रहे हैं तो विकास वैभव जी के लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग बजाएं। ऐसे लोगों की समाज में जरूरत है, ऐसे लोग ही समाज का सुधार कर सकते हैं, यूथ को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। इसलिए मित्रों, आप घबराएं नहीं, इंस्पेक्टर राज अब नहीं है, अंग्रेज चला गया, पदाधिकारी को अब हमारे प्राइवेट एसोसिएशन, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रबंधन और शिक्षक को सम्मान देना होगा। तो आप सुन रहे थे ये दिलीप जायसवाल। एक तरफ जहां विकास वैभव के क्रिटिक्स इस बात को लेकर के विकास वैभव की टांग खिंचाई करते हैं कि एक आईपीएस ऑफिसर अपने कर्तव्यों की जिम्मेदारी
का निर्वाह करते हुए इस तरह से सामाजिक गतिविधियों में कैसे इन्वॉल्व हो सकता है? क्या यह गलत नहीं है? इस तरह की बात कई लोग कहते हुए सुने जा सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष कह रहे हैं कि विकास वैभव जिस तरीके से सरकारी नौकरी करते हुए सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हैं वो काबिले तारीफ है। तो समझ लीजिए कि जब दिलीप जायसवाल विकास वैभव की शान में जिस तरीके से कसीदे पढ़ रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के मन में भी क्या कुछ चल रहा है। तो हम इन तमाम चीजों के बारे में बताएंगे, क्योंकि एक बात मैं आपसे बहुत साफ कर दूं, विकास वैभव लोकसभा चुनाव के दरमियान एक्टिव थे, चर्चा बहुत तेज थी कि वो मुंगेर से या बेगूसराय से चुनाव भी लड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव से थोड़े दिन पहले उन्होंने एक जबरदस्त सभा बेगूसराय में भी की थी और दिल्ली और पटना के बीच में वो दौड़ भी लगा रहे थे, लेकिन इसी बीच जेडीयू एनडीए के पाले में आ जाती है और जेडीयू जैसी पार्टी जब एनडीए में आ जाती है तो निश्चित तौर पर मुंगेर से ललन सिंह उम्मीदवार बनते हैं और बेगूसराय से गिरिराज सिंह, दोनों अपनी अपनी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, इसलिए विकास वैभव के लिए जगह बन नहीं पाए। तो क्या विकास वैभव अभी भी बीजेपी में जाना चाहते हैं या विकास वैभव को आरजेडी अपने साथ जोड़ना चाहती है? दरअसल आरजेडी के बीच में एक सोच पनपा है कि कुछ अपर कास्ट के जो नामचीन चेहरे हैं जिनको बीजेपी या जेडीयू किसी तरीके से स्पेस नहीं दे पा रही है, उन्हें वो इंटेलेक्चुअल स्पेस नहीं मिल रहा है जो वो डिजर्व करते हैं, अगर उनको अपने साथ जोड़ लिया जाए तो निश्चित तौर पर एक उस जाति के बड़े चंक वोट्स को अपने साथ जोड़ा जा सकता है और इसका फायदा उठाया जा सकता है। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के दिमाग में यह बात चल रही है, कहीं ना कहीं आरजेडी इस तरीके से सोच रही है, इसलिए कि एक तरफ प्रशांत किशोर भी बड़े प्लेयर बन गए। कहा यह जा रहा है कि इस बार चुनाव में बड़ी संख्या में वो लोगों को टिकट देने जा रहे हैं जो कि आरजेडी के वोटर्स रहे हैं। ऐसे में आरजेडी ये प्लान कर रही है कि क्यों नहीं कुछ ऐसे चेहरे को अपने साथ जोड़ा जाए जो कि बीजेपी और जेडीयू की जगह हमारे साथ उनके वोटर्स जुड़े। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं कुछ मेहमान जिनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रियदर्शी रंजन जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैलाशपति मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ अरुण पांडे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार की राजनीति पर जबरदस्त नज़र रखते हैं। इन तमाम मेहमानों को आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, राजनीति की व्याख्या करते हुए ये नज़र आते हैं। तो इन तमाम मेहमानों के साथ मेरे पास जो न्यूज़ है हम वो भी शेयर करेंगे और साथ ही साथ बिहार की राजनीतिक गतिविधियां इससे क्या प्रभावित होंगी हम वो भी समझने का प्रयास करेंगे। अरुण पांडे जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास ये पुख्ता न्यूज़ है। आरजेडी के तरफ से एक मैसेंजर जाता है विकास वैभव के पास और कहता है कि आप हमारे नेताजी से मिलिए, वो आपसे मिलना चाहते हैं, और दरअसल बातों बातों में कुछ ऑफर भी दे जाता है। वो राज्यसभा की सीट है, वो कुछ पद है, और जिसको लेकर के विकास वैभव हैरान होते हैं। और जब ये बात बीजेपी को पता चलती है तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के दो बड़े नेता भी विकास वैभव से समय मांगकर उनके पास जाते हैं। अब समझ लीजिए कि ये दो नेता वहां पहुंचते हैं और उसके बाद 5 सितंबर को विकास वैभव और दिलीप जायसवाल एक मंच शेयर करते हैं और आपको हमने सुना है कि किस तरीके से दिलीप जायसवाल विकास वैभव की शान में कसीदे पढ़ते हुए सुने जा सकते हैं। अब इसका मतलब क्या निकाला जाए कि विकास वैभव जो कि लेट्स इंस्पायर बिहार चला रहे हैं और उनका पॉलिटिकल एम्बिशन है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले भी बड़ी जोर चर्चा थी कि वो बीजेपी से यहां से टिकट चाहते हैं। इस पूरी गतिविधि को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि क्या विकास वैभव को आरजेडी अपने साथ जोड़ना चाह रही है तो उसके पीछे आरजेडी की मंशा आपको क्या दिखाई पड़ती है और क्यों जोड़ना चाह रही है?
देखिए, विकास वैभव को हमसे आप ज्यादा जानते हैं, ये क्यों मैं कह रहा हूँ आप भी समझ रहे हैं। बेगूसराय से जुड़ाव आपका भी कोई, आप कहाँ से हैं। अब विकास वैभव के एक अधिकारी सरकारी सेवा में होकर जो काम कर रहे हैं, कौन सराहना नहीं करेगा। महत्वाकांक्षा तो पालना कोई बुरी बात है नहीं, अभी 16 साल उनकी नौकरी बची है और कोई ये नया काम नहीं कर रहे हैं। जिस अभियान में वो लगे हुए हैं पूरे बिहार में, आज ही आपसे स्टॉक के पहले जब ये मुझे मालूम हुआ कि आज आपके इस चर्चा का शीर्षक तेजस्वी से करीब होना और करीबी तेजस्वी की ओर से उन्हें करीब लाने की कोशिश है, जो आपने आज खुलासा भी किया, एक किलर दिया कि उनके करीब लाने की कोशिश हो रही है, तेजस्वी ए टू जेड पार्टी बनाना चाहते हैं, एम वाई की जगह बाप जो आप उसका भी क्या है उनका, वो अब छिपा हुआ नहीं है। मतलब है कि वो अब यादव और मुस्लिम के अलावा अगली जाति, पिछली जाति, गरीब, आधी आबादी सबको जोड़ना चाहते हैं। तो विकास वैभव की जो छवि है, नेचुरल है कि कोई पार्टी यदि उनकी महत्वाकांक्षा और रहेगी तो कोई सबको चाहेगा कि उनको हम साथ करें। अब विकास वैभव आज आपसे आने के बाद इस पैनल में शरीक होने के पहले भी औरंगाबाद में और उसी अभियान में है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उनका जो ध्येय और उद्देश्य है वो किसी से छिपा नहीं है, गरीब बच्चों में शिक्षा का संचार देना, समाज में अच्छी शिक्षा हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, खासकर गरीब बच्चे जो शिक्षा से वंचित हैं वो पढ़ें, और जो प्रधानमंत्री का सपना है कि 2047 तक विकसित बिहार, विकसित भारत बने, तो वही चाहते हैं कि विकसित बिहार बने और बिहार की तस्वीर बदले। अब ये सब ध्येय उद्देश्य से सरकारी सेवा में रहते हुए अपने बचे समय में विकास वैभव पूरे बिहार में कई ऐसी मीटिंग में मुझे भी साथ उनके साथ मन शेयर करने का अवसर हुआ, और यूथ की उस मीटिंग में निश्चित रूप से जो कुछ संबोधन करते हैं यूथ इंस्पायर्ड होता है। और अब जहां तक सवाल है, बीजेपी के लोग तो जिस समाज से आते हैं, विकास वैभव बिहार में जाति एक सच्चाई है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। विकास वैभव कल होकर यदि राजनीति में कूदेंगे तो वो राजद को क्यों चुनेंगे, ये सीधा सवाल जब चर्चा होगी। यूं तो अभी ही बात हो रही थी तो भी घास फंस रहे थे और मैंने कहा कि भाई क्या चर्चा है, आप तेजस्वी के करीब हो रहे हैं, ये बड़ा हम लोग को भी जरा, मैंने सोचा कि आपसे ही क्यों ही बात करूं, ऐसी चर्चा है तो वो हंस रहे थे। बताइए, कहा कि भाई ये जाति धर्म की ही राजनीति से ऊपर उठकर बिहार इससे थोड़े संभलेगा, हम तो जाति धर्म से ऊपर उठ करके और बिहार का जो वंचित समाज है, जो शैक्षिक रूप से पिछड़ा है, ये सब लोगों को हम बढ़ाना चाहते हैं। तो अपना उस पूरे अभियान का ध्येय और उद्देश्य कहा और कहा कि अभी तो औरंगाबाद में थे, आपका कई बार फोन आया तो हम अटेंड नहीं कर पा रहे, फिर उनसे भी लंबी बात थी। तो विकास वैभव की जो छवि है निश्चित रूप से एक निर्वात छवि है, और मुझे तो ये लगता है कि उनके उस पुलिस महकमे में भी बहुत लोग इसके कारण ईर्ष्या करते, अपना उनका डेस्टिनेशन, उनकी बातचीत, कभी कोई विवाद की बात तो वो करते नहीं, तो इसलिए सब लोग चाहेगा उनसे जुड़ना। अब जो दिलीप जायसवाल जिस मीटिंग में विकास वैभव के लिए कसीदे कर रही, तो करना ही चाहिए, कैसे वो कहेंगे उनसे अच्छा वो राजनीति में सब उद्देश्य की प्राप्ति के, अभी तो विकास वैभव सेवा में है, तो वो जो कुछ कर रहे हैं हर आदमी सराहना करे, और कर होकर अब कोई उनका सचमुच पॉलिटिकल डेस्टिनेशन होगा तो स्वाभाविक रूप से आज बिहार में जो जिस तरह से जाति समाज है, कोई विकास वैभव को जुड़ना ही होगा, तो कहाँ जुड़ेंगे ये सीधे समझा जा सकता है। आपने ठीक ही कहा कि जब वो लोकसभा का चुनाव हो रहा था उसमें एक चर्चा थी राजनीतिक गलियारे, कहीं विकास वैभव भी चुनाव जंग में कूदेंगे, आपको याद होगा जहाँ वो पोस्टेड थे, उनके वरिष्ठ अधिकारी से उनकी पट नहीं रही थी, हालांकि कोई वैसा कारण नहीं, लेकिन विकास वैभव तो अपने काम करने के अपने तरीके से करते हैं, और वो के पाठक जैसे बिहार में एक जैसी छवि बना रखी है वो छवि विकास वैभव की। यूथ को तो यूथ कौन है, इसको भी मैं भी यदि कहेंगे तो सराहना करूंगा। तो हर जल अब जहां तक वो सवाल है कि अभी कोई उन्होंने कहा कि राजनीति में तो मुझे न जाने की मंशा है, अभी तो 16 साल मेरी नौकरी बची, रही बात सभी दलों से नेताओं से संबंध रखना तो बुरी बात नहीं है, मंच भी साझा किया जा सकता है, मन साझा करने से भी कहीं ये नहीं दिखता है कि हाँ
वो दिलीप जायसवाल यदि कुछ कह रहे थे तो दिलीप जायसवाल के हो गए। वही दिलीप जायसवाल ने विकास वैभव को करीब बनाने की निश्चित रूप से कोशिश की जो वो बयान दे रहे थे। एक तो मेरी अपनी टिप्पणी राय ये है, जहां तक अरुण कुमार की बात आपने कही, अरुण कुमार को भी हमसे आप बहुत ज्यादा जानते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पंकज जी बिहार के राजनीति के पल पल को जितना गहराई से आप जानते हैं और चर्चा में उसको लोगों के बीच परोसते हैं, जो तो ये सबको अच्छा लगता है कि नहीं इस गहराई से, वो अरुण कुमार आज कहाँ जाएंगे? अरुण कुमार तो अभी बसपा से किस्मत अजमाए हैं जहानाबाद, और जहानाबाद में भूमिहार स्वाभिमान की बात, एक परसेप्शन था कि भूमिहार की कंस्टिट्यूंसी, भूमिहार डोमिनेटेड कंस्टिट्यूंसी, और 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने एक प्रयोग किया, अब वहाँ चंदेश्वर चंद्रवंशी जो अति पिछड़ा समाज से हैं टिकट दिया, वो जीत गए, बड़ी जद्दोजहद करके जीते थे, कितना अंतर था 2000 मतों के अंतर से, सबसे लास्ट में वो रिजल्ट हुआ था, कई सारी बातें हुई, लोग ने उंगली उठाया, संदेह किया कि नहीं वो जीते नहीं, जिताए गए। चलिए इस बार तो अब मगध में खास करके गया, अरवल और ये जो इलाका है इसमें जो भूमिहार के स्थापित नेता और नाम है, आपस में उन सब लोग में गला काट प्रतिस्पर्धा रहती, अब चाहे वो प्रोफेसर राम जतन सिन्हा हो, अरुण कुमार हो, जगदीश शर्मा हो, कभी किंग महेंद्र थे, तो सब इस चुनाव में सबका स्वाभिमान जगा हुआ है। तो जब अरुण कुमार ने लड़ने की ठानी, जब जिस तरह से चिराग ने उनके साथ, जैसा खुद अरुण कुमार ने कहा कि हम तो ठगे गए, भतीजा ने हमको धोखा दे दिया, कह रहे थे अंतिम तक कि आपको हम नवादा में टिकट के लिए भरपूर प्रयास करेंगे, वहां मांगा ही नहीं, यहाँ तक कि सिटिंग सीट थी चंदन सिंह के लिए, वो खार खाए हुए थे चचा भतीजा के झगड़े में, वो सीट ही बीजेपी के हवाले कर दी, और जहानाबाद भी नहीं मांगा। तो अब तो कहते हैं कि जिंदा कौम लंबे समय के इंतजार नहीं करता है, चुनाव के समय में अरुण कुमार को सूझी कि नहीं हमें लड़ना चाहिए, उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ जहानाबाद, उस समय भी मेरी बात और गए जहानाबाद के लोगों से बात की, बोल लड़े, और जो जीतना तो रिजल्ट तो जीतना ही हारना होता है, लेकिन मुख्य ध्येय था कि नीतीश कुमार के कैंडिडेट को मजा चखा देना है, हरा देना है, तो हरा दिया अरुण कुमार। अब रही बात कि अरुण कुमार क्या करेंगे, वो कांग्रेस में भी रह चुके हैं, लोजपा में भी रह चुके हैं, अब खुद पार्टी बनाई थी वहां भी रह चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा से भी दोस्ती की, नीतीश कुमार से भी साथ थे, आप दिल्ली की राजनीति को करीब से जानते हैं, इस समय वो प्रभुनाथ सिंह के कारण उनका नीतीश कुमार से दुराव हुआ था, जबकि अरुण कुमार भी एक खासम खास थे, जौहर साहब के कितने नजदीक थे, एक थोड़ा अपने अलग मिजाज के हैं अरुण कुमार, और समझौता नहीं करते हैं, उनमें जो कमी है वो यही है। अब जब उनकी कोई पार्टी होगी, कांग्रेस में भी रहे, आपको याद होगा जब अनिल शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, अब कुछ लोगों ने समझाया कि भी ये बात सही, मैं भी मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से मेरी समझ है कि जो भी बिहार नेता है बिहार में, उसमें अरुण कुमार की सांगठनिक क्षमता को लोग दाद देते हैं, उनका अपने लोग में अच्छा खासा प्रभाव और सम्मान भी, तो अब तो उनको एक ही दल बचा है, जो कभी आपको याद होगा जब वो एनडीए में थे और उस समय जब वो एमपी भी जीत गए थे और उपेंद्र कुशवाहा थे, जो पार्टी को एक मंत्री पद का ऑफर मिला था, तो अरुण कुमार भी दावेदारी कर सकते थे, तब प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री के निकट के कई अधिकारियों से, अब खुद प्रधानमंत्री से उनका व्यक्तिगत संबंध रहा, लेकिन वो मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को बनाए, बाद में चलिए वही द्वंद्व हो गया, पार्टी में दोनों अलग अलग हो गए, तब उपेंद्र, अब अरुण कुमार के लिए कोई पार्टी बची हुई है जो उनको भी सूट करता है, मुझे लगता है कि जो चर्चा होती है अब तो बीजेपी। मुझे 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 साफ पता लग गया कि आप ये मानते हैं, और उसमें बड़े ही अच्छे तरीके से आपने मुझे मेरा भी सम्मान बढ़ा दिया कि आपसे मैं ज़्यादा इन लोगों को जानता हूँ। मैं एक बात यही 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 मैं समझना चाह रहा हूँ, दरअसल ये लोग जिनके बारे में कई लोग कहते हैं कि ये ओवर एम्बिशियस है, देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, एक एक व्यक्तित्व के कई पक्ष होते हैं, दरअसल अरुण कुमार कई सारी पार्टियों में इसलिए रहते हैं क्योंकि एम्बिशन उनका एक पार्टी में टिकने नहीं देता है, इस तरह की बात उनके विरोधी भी कहते हैं या उनको जानने वाले भी कहते हैं। जहां तक विकास वैभव का सवाल है, तो विकास वैभव को लेकर के यह कहा जाता है कि विकास वैभव अपनी ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं, और दरअसल आज के टाइम में कई सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं
या तेज तर्रार ऑफिसर्स हैं वो अपनी ब्रांड बिल्डिंग इसी तरीके से करते हैं, जैसे आनंद मिश्रा ने प्रयास किया, उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिला, इन दिनों वो प्रशांत किशोर के साथ लगे हुए हैं और अक्सर डायस पे प्रशांत किशोर के बगल में बैठे देखे जाते हैं। पर विकास वैभव का जहां तक सवाल है तो पिछला एक दो कमेंट्स हमने सुना जो कि उन्होंने प्रशांत किशोर को काउंटर किया और बड़े ही तरीके से काउंटर किया और कहा यह जा रहा है डॉक्टर संजय कि तेजस्वी यादव भी प्रशांत किशोर की काट में ही विकास वैभव को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। वजह यह है कि तेजस्वी यादव भी ये इस बात को समझ रहे हैं और शायद यही समझाने का प्रयास करेंगे कि जेडीयू और बीजेपी में आपके लिए या आप जिस बिरादरी से आते हैं ऐसे लोगों के लिए पॉलिटिकल स्पेस बचा नहीं है, अब आपको जगह कम से कम अब अगले 5-10 साल तक मिलने नहीं जा रहा है। कई सारे ऐसे लोग हैं, दावेदार हैं और हम आपको ऑफर कर रहे हैं तो आप हमारे साथ आते क्यों नहीं है? यह विकास वैभव को कहा जाएगा कि आप हमारे साथ आइए, हमारे हमारी पार्टी में पॉलिटिकल स्पेस है, जबकि बीजेपी और जेडीयू में नहीं है। जेडीयू में भी विजय चौधरी हैं, ललन सिंह हैं, आप वहां कहां फिट इन होइएगा? बीजेपी में भी मनोज सिन्हा हैं, गिरिराज सिंह हैं जैसे बड़े नेता हैं, वहां पर आप कहां फिट इन होइएगा? तो ऐसे में सवाल उठता है कि यंग, चूंकि तेजस्वी यादव यंग हैं, ए टू जेड की पार्टी बनाना चाहते हैं, ऐसे में वो प्रमुख चेहरों को अपने पास लाना चाहते हैं और उनको इंपॉर्टेंट जगह देना चाहते हैं, ये ऐसा कह करके विकास वैभव को अपने साथ जोड़ने का प्रयास हो सकता है, लेकिन इसके पीछे उनकी राजनीतिक मंशा भी है, इस बात की भी चर्चा करेंगे। क्या आपको नहीं लगता डॉक्टर संजय कि ऐसा ऑफर विकास वैभव को जब दिया जाता है या अरुण कुमार सिंह को भी दिया जाता है फॉर दैट मैटर, तो आपको नहीं लगता है कि यह ऑफर उनके लिए स्वीकार करने योग्य हो सकता है? देखिए, दोनों को हम लोग दो तरीके से देखें, विकास वैभव जी को अलग तरीके से देखें, अरुण कुमार को अलग तरीके से देखें, क्योंकि अरुण कुमार राजनीति में है, सक्रिय राजनीति में है, एक संसदीय कालखंड भी उनका रहा है जिसमें वो 2 बार MLC 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। विकास वैभव जी की जहां तक बात है, जो आप कह रहे हैं, जो इशारा कर रहे हैं कि हाँ तेजस्वी यादव की तरफ से ऑफर मिला होगा इनको और लेट्स इंस्पायर के माध्यम से जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट वाइज जो एक यूथ को एक इंस्पिरेशन दे रहे हैं, यूथ को जिस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं, विकास वैभव जी बता रहे हैं कि बिहार में 30 वर्ष से नीचे के 9 करोड़ युवा हैं और ये युवा जब तक उद्यमिता से नहीं जुड़ेंगे, जब तक शिक्षा से नहीं जुड़ेंगे, तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता है। और उसके लिए जो कुछ प्लेटफॉर्म है प्राइवेट एसोसिएशन का, जो स्कूल एसोसिएशन का है, उन मंचों पर ये खूब जाते हैं, वो चाहे समायल अहमद हो, डीके सिंह हो, वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं और उस मंच पर इनको बतौर बुलाते हैं विकास वैभव को और वहां पर वो इंटरेक्ट करते हैं। इस बात से कि विकास वैभव राजनीति में रुचि नहीं रखते हैं या इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। जिस तरह से मैं उनको देखा हूँ, सुना हूँ, समझा हूँ, लगता है कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, लेकिन वो चाहते हैं कि सम्मान पूर्वक हमें कहीं एंट्री। लेकिन इसके पहले मैं बता देता हूँ, RJD से चूंकि बात शुरू हुई तो RJD में भी करुणा सागर जो तमिलनाडु के पूर्व DGP थे आए, लगा उनको कि चूंकि वो भी भूमिहार जाति से थे, का स्पेस हमें मिलेगा, बड़े उत्साहित थे, बड़ा ये थे, थोड़ा घूम भी रहे थे, उनको लग रहा था कि जहानाबाद से हमें टिकट मिल जाएगा लोकसभा, RJD हमें टिकट देगी, या अंदर खाने में क्या बात हुई है नहीं पता। बाद में उनको प्रवक्ता बनाया गया और प्रवक्ता में भी कितना उनको महत्व दिया गया सब लोगों ने देखा और निराश होकर के न उन्हें टिकट मिला, न कोई जिम्मेवारी मिली, निराश होकर के उनको पार्टी छोड़नी पड़ी और वो कांग्रेस में चले गए। खैर, कल वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो मैं नहीं जानता। विकास वैभव इस मामले में थोड़े समझदार है, वो अपना जिला वाइज अपनी पकड़ थोड़ा मजबूत करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम पहले एक जमीन तैयार कर लें। बिल्कुल आपने सही कहा कि
ये बेगूसराय से चाहते थे कि अगर पार्टी हमें उम्मीदवार बनाती है तो हम चुनाव लड़ेंगे, और लड़ने के लिए इच्छुक भी थे, लेकिन हाँ थोड़े गंभीर हैं इसलिए वो सरफेस पर बहुत चीजों को आने नहीं देते हैं। उनके लोग कुछ बोल रहे थे जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं, लेट्स इंस्पायर जो एक एनजीओ है जिससे लोग जुड़े हुए हैं, उनके तरफ से ये चीजें आ रही थी कि बेगूसराय से ये गंभीर है। तो खैर वो गंभीरता थी, लेकिन किसी पार्टी ने इनको मौका नहीं दिया, नहीं दिया तो ये चुनाव नहीं लड़े। लेकिन पूरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनकी है और मैं समझता हूं कि ये लड़ेंगे चुनाव। ये चुनाव जब लड़े, विधानसभा का लड़े, लोकसभा का लड़े, कोई इनको राज्यसभा में ऑफर दे, कोई लोकसभा में ऑफर दे, लेकिन ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि पहले हमारी जमीन मजबूत हो जाए। एक ईमानदार अधिकारी हैं, लेकिन जो इनकी सक्रियता है उसको देख करके राजनीतिक पार्टियों, जो शोभा होतकर के साथ विकास वैभव जी का थोड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ था उस समय कुछ चीजें सरफेस पर आई थी, और चूंकि विजय चौधरी जी मंत्री हैं, नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, उनके ये रिश्तेदार हैं, तो ऐसे विजय चौधरी जी ने चीजों को पैचअप किया था, ये पब्लिक डोमेन में है। रह गई बात की अरुण कुमार की बात, तो अरुण कुमार के बारे में बड़ी जोरों से चर्चा है कि वो फिर जेडीयू में जा रहे हैं, जेडीयू के तरफ से उनको ऑफर मिला है, और एक तस्वीर जो आई सोशल मीडिया पर आनंद मोहन के साथ उनको बैठ करके देखा गया बात करते हुए। तो आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जेडीयू से एमपी हैं, और जब उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा तो कुछ है नहीं, उन्होंने इनकार किया। बीजेपी में भी शायद उनकी बातें चल रही है, तो जेडीयू और बीजेपी में भी बातें चल रही है। एक पत्ता फेंका गया होगा ये आरजेडी के तरफ से, आ जाइए आप मेरे तरफ। आरजेडी में पहले नालंदा से उनको चुनाव लड़ाया गया था, आरजेडी गठबंधन में वो लड़े थे, और आरजेडी ने उनको कितना मदद की थी वो उनको पता है। जहां तक जहानाबाद के चुनाव की बात है, वहां के भूमिहारों ने अरुण कुमार को नहीं, बल्कि वहां के भूमिहारों ने मन बना लिया था इस बार चंद्रवंशी जी को वोट नहीं करना है, और इनको तो 80,000 वोट आया ना, भूमिहारों की वोटिंग कैपेसिटी वहां 80,000 नहीं है। लोगों ने सुरेंद्र यादव को वोट कर दिया, और सुरेंद्र यादव को वोट करके ये बताने की कोशिश की, जिसकी प्रतिक्रिया में अशोक चौधरी क्या क्या बोल गए वहां जा करके, तो कि हम किसी भी कीमत पर इस सीट को गिर भी नहीं होने देंगे। तो जो चीजें हैं, तो अरुण कुमार जेडीयू और बीजेपी दो जगह स्पेस तलाश रहे हैं, कुछ बातें भी चल रही है, कुछ ऑफर भी इनको मिल रहा है, कब और कैसे ज्वाइन करेंगे ये तो वही बता सकते हैं। नहीं चलिए, ये बात आपने बिल्कुल सही तरीके से रख दी है। सवाल ये उठता है, मैं प्रियदर्शी रंजन जी आपके पास भी आ रहा हूं, कैलाशपति मिश्रा जी, सवाल ये उठता है कि आरजेडी के भीतर ये सोच पनपा क्यों है। दरअसल आरजेडी के भीतर ये सोच इसलिए पनपा है, जो मेरे सूत्र कहते हैं वो ये कहते हैं कि आरजेडी को लगने लगा है कि प्रशांत किशोर की वजह से जो नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप देखिए तेजस्वी यादव घूम भी कहा रहे तो उत्तर बिहार में, और उत्तर बिहार में उनको लगता है कि यादव और मुसलमानों ने उस तरीके से वोट नहीं किया जैसा कि उनको करना चाहिए था, और प्रशांत किशोर ऊपर से बड़ी संख्या में यादवों को मुसलमानों को उम्मीदवार बना करके मैदान में उतारने जा रहे हैं, इसकी चर्चा भी बड़ी तेज है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज में तेजस्वी यादव लग रहे हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि पहले से ही हर जिले में अपनी जमीन तैयार किए हुए है, ऐसा व्यक्ति जिसके साथ यूथ कनेक्ट होते हैं, मैं भी यूथ हूं वो भी ऑफिसर है। करुणा सागर और विकास वैभव में एक फर्क है, करुणा सागर को अभी भी बिहार के बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, यहां तक कि बिरादरी में भी लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन विकास वैभव को लोग जानने लगे। विकास वैभव बड़ी ही स्मार्टली अपने सर्विस को करते हुए वो अलग अलग जिले में जाते हैं, अलग अलग प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, लेट्स इंस्पायर बिहार को प्रमोट करते हैं और खुद लोगों से कनेक्ट होते हैं। ऐसे में आज के टाइम में बिहार में विकास वैभव को लोग नहीं जानते हो ऐसी बात बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती है। और चूंकि तेजस्वी यादव को लगा कि इस ऑफिसर में एक तो बिरादरी बड़ा फैक्टर है,
कि इस चेहरे को सामने रख करके बिरादरी के एक बड़े चंक को अपने साथ जोड़ा जा सकता है, और दूसरा इस व्यक्ति की लोकप्रियता है उस लोकप्रियता को भी अपने साथ बटोरा जा सकता है, और तीसरा इतना ही पढ़ा लिखा शार्प व्यक्ति प्रशांत किशोर को उसी तरीके और उसी लहजे में जवाब भी दे सकता है। इसलिए क्यों नहीं इसको अपने साथ जोड़ लिया जाए, जो कि पॉलिटिकली भी फायदा पहुंचाएगा, परसेप्शन वाइज भी फायदा पहुंचाएगा लोगों के बीच, जिस तरीके से प्रशांत किशोर अपनी वाक्पटुता से तेजस्वी यादव पर भारी पड़ रहे हैं, आरजेडी पर भारी पड़ रहे हैं, आरजेडी के नेता बदजुबानी करने लगते हैं जब प्रशांत किशोर बोलते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि उन्हीं के लहजे में अगर विकास वैभव उनको जवाब देते हैं तो निश्चित तौर पर यह साफ दिख रहा है आरजेडी को कि अगर इनको जोड़ा जाए तो ये हमें राजनीतिक रूप से भी लाभ मिलेगा और हम विधानसभा चुनाव में काफी मजबूत हो जाएंगे। क्या कहते हैं आप, जरा हमें इस बारे में बताइए कैलाश जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया सर आपने कि तेजस्वी के सामने प्रशांत किशोर को काउंटर करने के लिए एक बड़ा चेहरा विकास वैभव जी हैं, और बिल्कुल आपने सही कहा कि उन्हीं के लहजे में उनको घेर सकते हैं। वो भी प्रशांत जी भी युवाओं को लेके चलते हैं, उनके जो जहां भी उनकी सभा होती है या चर्चा होती है उसमें युवाओं की भागीदारी काफी होती है, और अपने विकास वैभव जी जो उनका जो लेट्स इंस्पायर बिहार है उसके तरह वो भी युवाओं को भी मोटिवेट कर रहे हैं आगे आने के लिए हर एक फील्ड में, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो उद्यमिता का क्षेत्र हो, जो भी क्षेत्र हो उसमें वो आगे आने के लिए कर रहे हैं। लेकिन सर यहाँ और अगर विकास तेजस्वी के सामने एक बड़ा सवाल और है सर कि अगर कुछ जात विशेष को छोड़ दीजिए तो सवर्णों में उनकी पैठ बहुत कम नगण्य जैसा है, अगर विकास जी ऐसा चेहरा अगर आता है उनके साथ तेजस्वी जी के साथ तो उनको एक बड़ा मैलेज मिलेगा। हालांकि विकास जी के लिए तेजस्वी के साथ जाना बहुत मतलब क्या कहते हैं उसको, अच्छी सिचुएशन नहीं रहेगी, क्योंकि विकास जी जिस जात से आते हैं उस जात का अभी भी झुकाव जो है और मतलब एनडीए के तुलना में अगर हम देखें तो महागठबंधन खास करके आरजेडी की तरफ तो बहुत ही कम है, अगर एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो। इस कंडीशन में अगर विकास जी तेजस्वी के साथ जाते हैं तो उनके लिए एक बड़ा क्या कहते हैं उनके लिए एक बड़ा बड़ी सफलता उनको होगी, लेकिन दूसरी ओर विकास जी के लिए अच्छी सिचुएशन नहीं रहेगी। और सर फिर मैं आता हूँ प्रशांत जी के बारे में कि प्रशांत जी और विकास जी दोनों का रास्ता तकरीबन एक ही जैसा है, वो भी बिहार बच्चे को युवाओं को इंस्पायर कर रहे हैं और विकास जी भी इंस्पायर कर रहे हैं, और उन्हीं के भाषा में आपने सही कहा कि प्रशांत किशोर के भाषा में ही विकास जी प्रशांत किशोर को जवाब देते हैं, डायरेक्ट तो नहीं लेकिन वो जवाब जरूर देते हैं। और रही बात बीजेपी की तो बीजेपी के लिए तो विकास जी एक अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं ही, और सर आपने अरुण सर भी बताया और आप भी बताए जैसे उनकी महत्वाकांक्षा बेगूसराय को लेके है, आने अगले चुनाव में बेगूसराय से गिरिराज जी उस स्थिति में रहेंगे नहीं कि चुनाव लड़ सके, कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा लेकिन आने वाले भविष्य को देखते हुए बीजेपी के लिए और खास करके बेगूसराय के लिए विकास जी एक अच्छे प्रोस्पेक्ट साबित हो सकते हैं। नहीं, मैं प्रियदर्शी रंजन जी एक बात सीधा पूछना चाहता हूं, दरअसल बात पॉलिटिकल स्पेस का है। अगर हम बीजेपी में देखें तो विवेक ठाकुर भी है ना, गिरिराज सिंह है, मनोज सिन्हा जैसे बड़े नेता हैं। अब आप समझिए कि जो विकास वैभव महत्वाकांक्षी है इस बात को तो डिनाई नहीं किया जा सकता, विकास वैभव ने अपना एक संगठन खड़ा किया है वो बात सही है, लेकिन बीजेपी में जगह कम है, स्पेस कम है, और क्या उस तरीके से उनको वेलकम बीजेपी में किया जाएगा इसकी संभावना दिखाई पड़ रही है। अभी उस तरह की कोई बात तो हुई नहीं, ये बात और है कि लोकसभा चुनाव से पहले चर्चा जरूर हुई थी, टिकट मिला नहीं। ऐसे में विकास वैभव को आरजेडी द्वारा आमंत्रित किया जाना, बात करने के लिए बुलाया जाना, और जब ये एक्सरसाइज शुरू होती है तो इसी बीच बीजेपी के दो बड़े नेता पहुंच जाते हैं, और आपने देखा दिलीप जायसवाल किस तरीके से विकास वैभव की तारीफ करते हैं। तो बीजेपी को दरअसल ऐसा लगता है
कि विकास वैभव उधर चले गए तो पॉलिटिकली नुकसान हो सकता है, लेकिन बीजेपी के पास वो स्पेस नहीं है जिसमें विकास वैभव को फिल इन किया जाए। और शायद यही बड़ी वजह है कि जैसे अभी डॉक्टर संजय ने कहा, करुणा सागर तमिलनाडु के डीजीपी थे, वो आए, उन्होंने आरजेडी चूज किया, पर उनको महत्ता इसलिए नहीं मिली क्योंकि बिहार में लोग उनको जानते नहीं थे, पर विकास वैभव को तो लोग जानते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने अपनी जमीन तैयार की है, हर डिस्ट्रिक्ट में उनका फैन फॉलोइंग है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर की काट के लिए तेजस्वी यादव अगर विकास वैभव को चूज करते हैं और उनको लगता है कि पॉलिटिकली इंटेलेक्चुअल वाइज इंटेलेक्ट में भी अगर कोई जवाब दे सकता है तो ये चेहरा है, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो अपर कास्ट में भी हम घुस पाएंगे और साथ ही साथ परसेप्शन वाइज भी हम प्रशांत किशोर का जोरदार टक्कर दे सकते हैं, और शायद इसीलिए ये कोशिश की गई है। क्या कहते हैं आप? देखिए पंकज जी, प्रथम दृष्टया विकास वैभव जी का स्वाभाविक घर, स्वाभाविक राजनीतिक घर भारतीय जनता पार्टी दिखता है। जैसी चर्चा हो रही है सभी लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सहज होंगे, और चर्चा ये भी थी कि लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में विकास वैभव जी जा सकते हैं, जो कि हुआ नहीं। और ऐसी बात जो आज हो रही है कि आरजेडी के साथ भी जाना चाहते हैं या आरजेडी उनके यहाँ संदेशवाहक भेज रही है कि मेरे साथ जुड़ जाइए, ऐसी चर्चाएं पहले भी होती थी, हालांकि वो आरजेडी के साथ नहीं था। मैं अशोक चौधरी जी का एक बयान कोट करूंगा, वर्ष 2023 का ही है, मई का बयान है, 14 मई 15 मई का रहा होगा। अशोक चौधरी ने एक मंच से कहा था, विकास जी भी उस मंच पर थे, बुके देते हुए कि विकास जी को बीजेपी में जाने से रोकना है जी। बीजेपी में उस समय चर्चा थी कि बीजेपी के साथ विकास वैभव जी जा सकते हैं, उसको लेकर के अशोक चौधरी ने ऐसा कहा था। और अशोक चौधरी चूंकि जनता दल यूनाइटेड में उस भवन निर्माण मंत्री थे और उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ इनकी सरकार नहीं थी जनता दल यूनाइटेड की, तो विकास नहीं चाहते थे कि ये जाए उधर। तो ये जो विकास वैभव राजनीति के, मैं मानता हूँ कि हॉट केक है, जिस तरीके से प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति के हॉट केक बने हुए हैं, उसी तरीके से विकास वैभव भी हॉट केक है। हालांकि देखिए मिल नहीं रहा है उस तरीके का माइलेज विकास वैभव जी का, जो काम उन्होंने किया है, विकास वैभव ने किया है, 1400 से अधिक सभाएं पूरे बिहार भर में की विकास वैभव जी ने लेट्स एम्पायर के तहत, 1.25 लाख से अधिक लेट्स एम्पायर से, इंस्पायर से लोग जुड़े हुए हैं पूरे बिहार भर में, देश भर में जहां भी बिहारी हैं विकास वैभव जी का नाम और सम्मान है। उस हिसाब से मीडिया में उनको माइलेज नहीं, प्रशांत किशोर जी जैसा उनको माइलेज नहीं, शायद मीडिया में विकास वैभव जी के दोस्त नहीं है, अगर इनके भी दोस्त होते तो इनकी भी चर्चाएं वैसी ही। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं इन तमाम चीजों से, भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी से हट करके, विकास वैभव जी भारतीय जनता पार्टी में जाएं या आरजेडी में जाएं, एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है कि प्रशांत किशोर जी पूरे देश भर से, पूरे बिहार भर से ब्यूरोक्रेसी के लोगों को राजनीति में ला रहे हैं, जनसुराज से जोड़ रहे हैं, फिर उनकी नजर विकास वैभव पर क्यों नहीं है? क्या ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं? और अगर कॉम्पिटिटर नहीं है तो पर्दे के पीछे से अब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विकास वैभव जी का समर्थन के लिए पहल प्रशांत किशोर की ओर से क्यों नहीं किया गया? और विकास वैभव जी खुल करके प्रशांत किशोर जी के स्टैंड पर अपनी राय क्यों नहीं व्यक्त कर रहे हैं? तो ये दो चीजें मेरी समझ में नहीं आ रही, और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी को छोड़ दीजिए, दोनों जगह बहुत मारामारी है, हाउसफुल चल रहा है, बॉक्स ऑफिस पर दोनों लोगों का मतलब टिकट बिक जा रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर तो नए नए आए हैं, इन्हें तो नए लोगों की जरूरत है, और विकास वैभव जैसा अनुभवी, विकास वैभव मैं मानता हूं कि आरजेडी के साथ जा करके जो करिश्मा नहीं कर पाएंगे, शायद प्रशांत किशोर और विकास वैभव अगर एक मंच पे आ गए तो ये बहुत बड़ी बात होगी बिहार के सिनेरियो के लिए, बिहार के परिप्रेक्ष्य में। दोनों का मिजाज एक है, भाषा एक है, शैली एक है, कार्य करने का तरीका भी कमोबेश एक है, मिशन भी एक है, फिर एक मंच पर क्यों नहीं है दोनों? पर एम्बिशन एक नहीं है ना। करेक्ट, एम्बिशन एक नहीं है ना, प्रॉब्लम तो यही है। दरअसल आप ये जितने पढ़े लिखे लोगों को देखेंगे आप, और अरविंद केजरीवाल उसके सबसे बड़े उदाहरण, अरविंद केजरीवाल के कैंपेन में
क्या पत्रकार, क्या टेक्नोक्रेट, क्या ब्यूरोक्रेट, क्या अमेरिका से, क्या ब्रिटेन से, कहां बेंगलोर से, कई लोगों ने नौकरियां छोड़ दी थी साहब, और मैंने कवर किया है, मैं आपको बता सकता हूं। और वो सब अब कहां निकल गए? प्रशांत भूषण थे, शांति भूषण थी, किरण बेदी थे, जजेस थे, बड़े बड़े लॉयर थे, सभी लोगों को निकाल दिया गया, क्योंकि 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 जो कॉज बताया गया था, बाद में पता चला कि वही राजनीति ये भी कर रहे हैं जो बाकी दल कर रहे हैं, बाद में पता चला कि विनेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर है, चाहे कोई भी साथ आ जाए, बाद में पता चला कि पूरी पार्टी पे मेरी पकड़ चाहिए। अब तब के और अब के स्टेटमेंट में आप अंतर देख लीजिए। सवाल यह है, वही तो मैं कह रहा हूं कि सवाल यह है कि कई बार ये जो अच्छे ऑफिसर अच्छे नेता होंगे या नहीं होंगे, दरअसल जब वो नेता बनते हैं तो उनका एक अलग चरित्र सामने आता है, वो इजिली एक्सेसिबल नहीं होते, लोग उनसे मिल नहीं पाते। बिल्कुल, इसमें मैं एक, अगर इजाजत हो तो मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं आपकी ही बातों में। डीपी ओझा जी बेगूसराय से ही चुनाव लड़े थे, आप बखूबी, आपको याद होगा। तो राजनीति में ब्यूरोक्रेसी की जो राजनीतिक मानसिकता है वो पहले से रही है, आज वो परवान चढ़ा हुआ है, खास करके बिहार जैसे राज्य में। आज आप आए दिन देखिए, एक्स जो ब्यूरोक्रेट्स हैं राजनीति में आने को ललायत है। पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों की आप समीक्षा करिएगा तो जहां उद्योगपति हैं उन्होंने वहां के उद्योगपति राजनीति में आने की कोशिश कर रहे हैं, जहां ठेकेदार लोग बढ़े चढ़े हैं वहां के ठेकेदार लोग आ रहे हैं, जहां के बाहुबली लोग हैं। बिहार में ये तीनों से अलग ब्यूरोक्रेसी के लोग पूरी तरीके से राजनीति में आने को इच्छुक हो गए हैं, चाहे वो गुप्तेश्वर पांडे हों, करुणा सागर हों, आनंद मिश्रा हों, पूर्व में डीपी ओझा जी ने अपने आप को राजनीति में आजमाया है, विकास वैभव जी भले ही कह रहे हों कि मैं राजनीति में नहीं आना चाहता हूं, मेरा ये सामाजिक आंदोलन है, लेकिन कहीं ना कहीं वे भी राजनीति से जुड़ना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं। तो ये जो पूरा एक चलन राजनीति में, एक नया ट्रेंड आया है ब्यूरोक्रेसी का पॉलिटिक्स में आने का, ये उसके तहत हो रहा है। आज आप देख लीजिए प्रशांत किशोर जी जो हाइप क्रिएट किया है और जो एक फॉर्मूला देने की कोशिश कर रहे हैं या एक मॉडल बना रहे हैं, उस मॉडल का भरोसा एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स को ला रहे हैं, बता रहे हैं कि ये फला ब्यूरोक्रेट। चलिए वो सारी बातें ठीक है, दोनों के तौर तरीके में बहुत फर्क है, और दोनों के तौर तरीके में इसलिए फर्क है क्योंकि देखिए विकास वैभव लेट्स इंस्पायर बिहार, जिसमें आप एक नाम विकास वैभव को जानते हैं, प्रशांत किशोर ने देश के स्तर पर बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ काम किया, वो चाणक्य हो सकते हैं, उन्होंने साबित किया, उसके बाद वो पॉलिटिक्स करेंगे पहले उन्होंने अनाउंस किया, अब वो दो साल से लोगों के बीच में है, गाँव में है, सड़कों पर हैं, वहां रहते हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं इस तरीके से राजनीति करना चाहता हूं, और वो राजनीतिक पार्टी की तरह मैदान में वो उतरना चाहते हैं। सवाल इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है डॉक्टर संजय कुमार, कि प्रशांत किशोर के बारे में भी मुझे पता है कि वो अपनी पार्टी से हर जिले में अति पिछड़े को दो टिकट देंगे, एक माइनॉरिटी को टिकट देंगे और एक महिला को टिकट देंगे, ये उन्होंने एक रणनीति बनाई है। डॉक्टर संजय कुमार, मैं आ रहा हूं अरुण पांडे जी, ऐसे में सवाल उठता है कि आनंद मिश्रा उनके साथ दिखते हैं, विकास वैभव क्यों नहीं दिखते हैं? सवाल इसलिए गंभीर हो जाता है, विकास वैभव इसलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि विकास वैभव और प्रशांत किशोर का एम्बिशन क्लैश भी हो रहा होगा। दरअसल ये बात भी तो हो सकती है, विकास वैभव ने भी तो एक सामाजिक संगठन ही खड़ा किया है जो कि राजनीतिक रूप कभी भी ले सकता है, पर विकास वैभव ने भी तो बिहार में एक सामाजिक संगठन खड़ा किया है, हर जिले में फैन फॉलोइंग है, तो फिर विकास वैभव को लगता होगा कि भाई मैं क्यों प्रशांत किशोर की छाया में चला जाऊं, और मैं जाऊंगा तो मेरे साथ एक बड़ा संगठन प्रशांत किशोर के साथ चला जाएगा, अगर मुझे जाना ही होगा तो मैं एक बड़े राजनीतिक संगठन में जाऊंगा जिसके साथ लंबी विरासत है,
जिसकी क्रेडिबिलिटी है, जो सत्ता में रहा है या जो सत्ता में आ सकता है, मैं इनके साथ कैसे चला जाऊं जैसे आनंद मिश्रा चले गए? डॉक्टर संजय कुमार, नहीं बिल्कुल नहीं नहीं, आनंद मिश्रा जी तो चूंकि बक्सर के ही हैं, वो चुनाव पहले लड़े, बाद में वो प्रशांत किशोर जी से जुड़े हैं, बक्सर का चुनाव वो लड़े थे और बक्सर की जमीन को उन्होंने उर्वर करने की कोशिश की थी अपने तरीके से। हालांकि उनको लगा था कि हम चुनाव में बेहतर कर पाएंगे, लेकिन बहुत बेहतर वो कर नहीं पाए, बाद में प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़े और प्रशांत किशोर जी के अभियान। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं कि दोनों एम्बिशस हैं, लेकिन दोनों के दो तरीके हैं अपने लोगों के साथ जुड़ने का। प्रशांत किशोर शुद्ध तौर पर सामाजिक और राजनीतिक तौर पर अपने को स्थापित किया है देश स्तर पर, राज्य स्तर पर तो किया ही है, देश स्तर पर भी। ठीक है, वह रणनीतिकार की ही भूमिका में रहे हैं, लेकिन ये माना जाता है कि वह रणनीति बनाते हैं। किनकी रणनीति बनाते हैं? उन पार्टियों के लिए रणनीति बनाते हैं जो पार्टियां चुनाव लड़ती है और वो पार्टियां संयोग से चुनाव जीतती भी है, सरकार भी बनाती है। इनकी भूमिका रणनीतिकार के रूप में नहीं है, एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर, एक एजुकेशनिस्ट के तौर पर, एक मोटिवेटर के तौर पर है। और लेट्स सी इंस्पायर में अभी तक तो यही बात ये करते हैं कि मैं चाहता हूं कि ये बच्चे पढ़े, मैं चाहता हूं कि कोई बच्चा जब तक पढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, हम बिहार को बदलेंगे कैसे। ये कहते हैं कि हमारे पूर्वजों की भूमि है और इस पूर्वजों की भूमि को अगर हम नहीं बदल पाए तो शायद ये मेरे ऊपर कर्ज रह जाएगा। और इस तरह से सभाओं में इनको समर्थन मिलता है, खास करके युवाओं पर। पहले तो ये हेरिटेज वगैरह पर काफी काम कर रहे थे कि जो बिहार की जो सभ्यता रही है, संस्कृति रही है, हमने उसे संजो करके नहीं रखा है, संजो करके रखना चाहिए। बाद में ये युवाओं के साथ जुड़े, उद्यमिता की बात करने लगे, कुछ निशुल्क बच्चों को आईआईटी और नीट की तैयारी के लिए भी ये प्रोत्साहित करते हैं, इनकी संस्था जो है वो थोड़ा उसको मदद भी करती है। तो अभी तक पूरी तौर पर ये अपने आप को शैक्षणिक संस्था और शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े हुए एसोसिएशन, उनके मंचों पर ये देखे जाते हैं। और फिर जब लेट्स इंस्पायर के माध्यम से भिन्न भिन्न जिला में जब इनका कार्यक्रम होता है तो उस मंच से युवाओं को एड्रेस करते हैं, उद्यमिता के लिए, शिक्षा के लिए, बिहार की बेहतरी के लिए। और बिहार का जो गौरवशाली अतीत रहा है, जिस हेरिटेज की बात मैं कर रहा हूं, उस हेरिटेज को सुरक्षित, संरक्षित, प्रमोट करने के लिए। लेकिन उसके बाद भी इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा इस बार के लोकसभा चुनाव में भी रिफ्लेक्ट हो रही थी। पार्टी चाहती थी कि विकास वैभव खुल करके आए, विकास वैभव भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन इसी बिहार में गुप्तेश्वर पांडे एक बार धोखा खा चुके हैं कि उन्होंने त्याग पत्र भी दे दिया था, पार्टी से उनको टिकट भी नहीं मिली थी। विकास वैभव इस तरह का कोई प्रयोग, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से वो बोल रहे हैं कि 16 साल की मेरी नौकरी है, मैं उस नौकरी को छोड़ करके कैसे ये कर लूंगा। लेकिन जो ये लिखते हैं अपने पोस्ट में, उस पोस्ट से जो चीजें रिफ्लेक्ट होता है, उससे तो स्पष्ट है कि बहुत दिनों तक ये नौकरी में रहने वाले नहीं। इनकी महत्वाकांक्षा है वो राज्यसभा के माध्यम से, लोकसभा के माध्यम से ये सक्रिय राजनीति में होंगे। जहां तक प्रशांत किशोर जी की बात है, तो प्रशांत किशोर जी तो अब खुलकर के मैदान में आ गए हैं, वहां तो कह ही रहे हैं कि मैं पार्टी नहीं। चलिए चलिए, वो बात आपने कह दी। सवाल ये है अरुण पांडे जी कि ठीक है, आपको भी ये लगता है कि इनका नेचुरल घर, स्वाभाविक तौर पर ये बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि ये जिस जाति से आते हैं उसका झुकाव बीजेपी में, इनका जो तौर तरीका है, जो पोस्ट लिखने का तरीका है, वो ये बताता है कि इनका इंक्लिनेशन बीजेपी के तरफ है। पर बीजेपी उस तरह से वेलकम नहीं करेगी तो ये कैसे बीजेपी में जाएंगे? पॉलिटिकल एम्बिशन तो है ना, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। जहां तक जेडीयू का सवाल है, तो मैं आपको बता दूं कि जेडीयू के बड़े नेता ही अब महफूज ठिकाना ढूंढने में लग गए, यह बात आप जान लीजिए। भले ही वो 2025 के चुनाव का इंतजार कर रहे हो, लेकिन हर नेता अपनी पोजिशनिंग करने में लगा हुआ है।
यहां तक कि ललन बाबू भी किस तरीके से मुंगेर जीते हैं और इस बार उनको साफ समझ में आ गया है कि वो अमुक जाति के हैं और अमुक जाति ने उनसे आगे बढ़कर प्रतिष्ठा का विषय बनाकर उनको चुनाव जितवाया है। इसलिए अब ललन बाबू भी वो नहीं है जो 2023 में होते थे। उनको भी समझ में आ चुका है कि जाति से अलग हटकर के राजनीति नहीं की जा सकती। ऐसे में सवाल उठता है कि जेडीयू हो या बीजेपी हो, वहां स्पेस तो है नहीं। और वैसे में अगर आरजेडी वेलकम करती है और बड़ा प्लेटफॉर्म देती है तो बुरा क्या है? क्योंकि आपने देखा होगा एमएलसी के चुनाव में कई सारे भूमिहार जाति के लोगों ने आरजेडी की तरफ से एमएलसी बनाया गया, टिकट दिया गया, वो चुनाव जीते भी। तो इसमें गलत क्या है? देखिए, एमएलसी में जो चुनाव जीते ना, वहाँ एमएलसी के चुनाव में उस कैंडिडेट का सामर्थ्य होता है, हर वोट खरीदे जाते हैं। मुझे तब याद आता है कि तेजस्वी यादव ने 4 भूमिहार जाति के लोगों को कैंडिडेट बनाया था, उसमें चाहे वो पटना से जीते या और 3 जीते। तो तेजस्वी यादव को लोगों ने कहा था कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी पार्टी को जो MBI है अभी, इसमें जिन लोगों को आप दे रहे हैं, तो कहा था कि भाई कोई टिकट लेने मांगने वो आए, पैसा उसके पास था, जितना वो हम किसको देते हैं? ये चुनाव ऐसा थोड़े है कि जिस किसी को जात के नाम पर टिकट दे दें। तो जो काउंसिल वाली बात आपने कही कि काउंसिल में राजद का टिकट पाए जीत गए, वो उस कैंडिडेट का अपना सामर्थ्य इसके कारण जीत गई। अब रही बात की जो बात आज चर्चा आपने की, खास करके विकास वैभव की बात, फिर मैं ये बात दोहरा रहा हूँ, महत्वाकांक्षा हर किसी को पालना तो कोई बुरी बात नहीं। और हम बात आज वर्तमान में कर रहे हैं, अभी ही चर्चा में ये बात आई कि कल अभी इसी बार हो रहा था कि शायद गिरिराज सिंह को टिकट नहीं मिले, उम्र के उस जिस पड़ाव पर जाते, ठीक है, पार्टी में एक फायर ब्रांड छवि है उनकी, और जो जिस तरह की पॉलिटिक्स बीजेपी की होती है एंटी मुस्लिम, उसमें एक अभी चेहरा है। लेकिन कल चुनाव, जो चुनाव अगले साल हो, अगली बार होगा, तब गिरिराज सिंह की क्या स्थिति रहेगी, वो एक चर्चा की बात है। ठीक है, बहुत किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मुझे याद है नवादा से इस बार विवेक ठाकुर सफल हो गए, पार्टी ने उनको तबज्जो दिया, वो थैंक्स टू अमित शाह, ये बात तो हम लोग को पहले पता था कि वो लग गए हैं और वो इस बार उनको विवेक ठाकुर को ही टिकट वहां से मिलने जा रहा है। लेकिन क्या वहीं गिरिराज सिंह के बारे में जो चर्चा थी या ललन सिंह के बारे में भी चर्चा होती थी, क्या उसी क्षेत्र से, जो ललन सिंह से लालू प्रसाद का रिश्ता बढ़िया था, जिस समय आपको याद होगा जिस काल परिस्थिति में नीतीश कुमार ने जदयू की बागडोर संभाली और ललन सिंह को इस्तीफा देने को कहा, या भले वो कहे कि हमको चुनाव में जाना है इसीलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। तो आज की तारीख की हम बात करते हैं, एक बात जो बहुत मार्के की इस चर्चा में किसी भाई ने जो बात कही कि अब जो लोग प्रशांत किशोर के साथ जुट रहा है, सबको उनके शैडो में रहना है, चाहे वो मिश्रा जी और कोई जी रहे, अब वो चीफ जस्टिस रहे पटना हाई कोर्ट के अंसारी, तो वहां तो सब प्रशांत किशोर के शैडो में है। विकास वैभव की थोड़ी कहानी डिफरेंट, एक मन मिजाज पृष्ठभूमि और बिहार में उनकी खुद की पहचान। अब आरके मिश्रा की बात, कोई बिहार के बाहर किसी स्टेट में वो सर्विस करते थे, हो गया कि चलिए यहाँ आए, चुनाव लड़े और बीजेपी के कुछ नेताओं से उन्होंने बात भी की, वो टिकट नहीं मिला, फिर वहाँ लड़ गए, अब ठीक है वोट भी आया 70,000, चुनाव नहीं जीते, फिर एक किनारा, अब वो तो कहाँ जाते, अब तो नौकरी छोड़ कर आए थे, कहीं कोई जगह पानी थी तो बीजेपी में जगह मिलती नहीं, तो उन्होंने प्रशांत किशोर को थाम लिया, चलिए वहाँ अभी साथ है। लेकिन वहाँ जो कोई प्रशांत किशोर के साथ है उसकी हैसियत क्या है? वहाँ जिस ढंग की परिकल्पना है, या प्रशांत किशोर के यहाँ सब उनके साइडों में रहना, एक कोर ग्रुप बनी, आपने देखा कि वहाँ तो जो अध्यक्ष की भी कुर्सी होगी वो म्यूजिकल चेयर होगा, हर साल भर में कभी कोई दलित होगा, अति पिछड़ा होगा, मुस्लिम होगा, और पता नहीं कब फिर कोई अगले की बारी आएगी, वहाँ की एक विचित्र कहानी। वहाँ चुनाव भी जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा वो अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरह उनकी परिकल्पना है कि हर कंस्टिट्यूंसी में जो 5,000 मेंबर बनाए रखेगा उन्हीं में से भी 5 लोग का हम नाम फ्लोट करेंगे और उसमें भी वोटिंग कराएंगे, जो ठीक जैसे वहाँ अरविंद केजरीवाल ने जिस ढंग से, आपको याद होगा पंजाब में सीएम का कैंडिडेट को जिस ढंग से जनमत कर, तो
जहां विकास वैभव की बात है, अभी तो तत्काल कुछ होना नहीं है, विकास वैभव अपनी जगह है, ये उनके व्यक्तित्व का ही परिणाम है कि पार्टियां उनको संपर्क कर रही हैं। लेकिन फिर मुझे लगता है कि ये विकास वैभव को पता है कि जिस जाति बिरादरी से आते हैं वो जाति बिरादरी वो खुद भी चले जाएंगे वहां, तो उनकी क्या पहचान रहेगी? वो खुद तो अपनी जो पहचान है, बिरादरी साथ जाएगी क्या? वो सबसे बड़ा सवाल, वो बड़ा सवाल, वो हाँ। ये बात आप महत्वपूर्ण कह रहे हैं, लेकिन एक बात ये भी जोड़ देता हूँ। जी जी, एक लाइन मैं और जोड़ता हूँ कि उपयोग तो किया लालू प्रसाद ने वैशाली में, अब मुन्ना शुक्ला जैसे एक दबंग बाहुबली छवि को टिकट दिया, क्या रिजल्ट आया? इसलिए विकास विभाग अपनी उस छवि को लेकर, अपनी वो बिरादरी की पृष्ठभूमि को लेकर, और अभी है लंबा, अभी महत्वाकांक्षा रखना, अभी निर्वाध रूप से उस सेवा में रह के अपना इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं, अपना कुछ कर रहे हैं। अकल होकर जवाब, मुझे याद है किशोर कुणाल का, पंकज जी आप भी जानते हैं, ये कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा उन्हें भी, और कोई उस समय जब सुशील मोदी थे तो उनको नवादा से लड़ने का ऑफर मिला था, वो पटना चाहते थे और पटना कैश की सीट थी, वहां से दे नहीं सकती थी, तो नहीं लड़े चुनाव। फिर वो किसके करीब है, किसके साथ रहे, वो सब आपके सामने है। इसलिए विकास वैभव अभी बहुत होशियारी से अपना अभियान भी चला रहे हैं, और अभी राजनीति थोड़े आजकल की खत्म हो जाएगी कि कल प्रशांत किशोर ने जो अभी ताना बाना तैयार किया है, भले वो कुछ कह रहे हैं, अभी जात का जो सच्चाई है बिहार की, प्रशांत किशोर कितनी जगह बनाएंगे, अभी साल भर बाकी है, अभी 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्च होने जानी है। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। पहले आरजेडी के तरफ से ऑफर आता है, फिर बीजेपी के 2 नेता इनसे मिलने चले जाते हैं, और उनको पता भी चल जाता है कि आरजेडी के तरफ से ऑफर आ रहा है। आपको क्या लगता है प्रियदर्शी रंजन जी, क्या जो विकास वैभव है वो एक तरीके से बार्गेन कर रहे हैं क्या? क्या विकास वैभव ये बताना चाह रहे हैं बीजेपी वाले को कि देख लो हमारे पास ऑफर है, अगर आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरे स्टेचर के मुताबिक मुझे जगह नहीं देंगे, तो मुझे ऑफर की कोई कमी नहीं? बिल्कुल ऑफर है तो उसे बताना भी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी पर विकास वैभव जिस समाज से आते हैं, अगर समाज की ही बात है और समाज के हिसाब से ही हिस्सेदारी और दावेदारी की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी में विकास वैभव की हिस्सेदारी और दावेदारी दोनों बनती है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी में जगह नहीं बनती है और विकास वैभव की अगर इच्छा राजनीतिक होगी ही, राजनीति करने की होगी ही, तो कहीं ना कहीं तो वो तलाश करेंगे ही, जहां उन्हें अच्छा ऑफर मिलेगा वहां जाएंगे। समाज नहीं जाता है ये सही बात है, लेकिन आप जहां हैं वहां भी तो स्पेस मिलना चाहिए। आप कैसे लोग, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा तो है नहीं कि सभी जो जिस जाति से विकास वैभव आते हैं, भूमिहार जाति से, सभी विकास वैभव के स्ट्रक्चर के ही लोग हैं। विकास वैभव के आने से भारतीय जनता पार्टी मजबूत ही होगी, कमजोर तो नहीं हो जाएगी। और विकास वैभव जैसा व्यक्तित्व है उनके लिए जगह तो बनाया जाना चाहिए। किशोर कुणाल के लिए जगह नहीं बनाया गया, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जगह बनाई। नहीं तो कैलाश जी, एक बात क्या आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी भी विधानसभा चुनाव से पहले इन्हें कुछ ऑफर कर सकती है, इसकी संभावना आपको दिखाई पड़ रही है? या विकास वैभव अभी कुछ साल और इंतजार करेंगे, क्योंकि बीजेपी में कुछ नेता रिटायर होंगे और उस जगह पर विकास वैभव आएंगे, आपको क्या दिखाई पड़ता है? क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे लगता है विकास वैभव प्रदेश की राजनीति पसंद नहीं करेंगे, वो संसद जाना चाहेंगे, राज्यसभा जाना चाहेंगे, वो विधानसभा चुनाव कभी लड़ना नहीं चाहेंगे। आप कैसे देख रहे हैं, जरा आप बताएं। आपने बिल्कुल सही कहा सर कि विकास जी इसको अच्छी तरह समझ रहे हैं कि बीजेपी में अगर मैं जाऊं तो सम्मान के साथ जाऊं, अगर सम्मान ना मिले, और जहां तक जगह बनाने की बात है तो जगह कभी भी बनती है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में उनको हर एक जब भी वैकेंसी आएगी उनको बीजेपी भेज सकती है, उसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन उनके सामने एक समस्या और है कि बीजेपी एक ऐसी समंदर है जहां जाने के बाद बड़े बड़े लोग समा जाते हैं। उनका जो पूरा बिहार का विजन है वो स्वीकृत हो जाएगा, सेंक्रोनाइज हो जाएगा सर। तो ये चीज विकास जी बढ़िया समझ रहे हैं, इसीलिए उनके लिए ये है चुनाव तक, 2025 के चुनाव तक पहले वो अपना पूरा बिहार में एक जमीन तैयार करें। हो सकता है कि उनके मन में ये भी मंशा हो कि अगर प्रशांत किशोर इस तरह से एक पार्टी बना के एक पॉलिटिकल
फोर्स के रूप में एक बन सकता है, प्रशांत किशोर बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूं, जो जिसका सब कुछ मैं ही रहूंगा और अपने तरीके से चलाऊंगा। एक भी एक एम्बिशन उनका ये भी हो सकता है सर, मेरे नजर से एक ये एम्बिशन ये हो सकता है। डॉक्टर संजय, क्विक आंसर, समय की सीमा पार कर चुके हैं, क्या आपको लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से विकास वैभव मैदान में उतर सकते हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या आरजेडी के ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या? आरजेडी के तरफ से तो भेजा गया है कि आइए मिलिए बात करिए। मुझे नहीं लगता है कि इतना जल्दी विकास वैभव किसी ऑफर को स्वीकार करेंगे, लेकिन इसमें दम लगता है कि ये प्रशांत किशोर जी को थोड़ा देखेंगे कि ये विधानसभा में प्रशांत किशोर कैसा परफॉर्म कर पाए, और चूंकि इनके अंदर में भी इंटेलेक्ट है, इस तरह का प्रयोग विकास वैभव भी कर सकते हैं कि एक पहले संगठन बनाएंगे, फिर उस संगठन को पार्टी का रूप दे करके, और फिर हो सकता है कि अलायंस में ये चुनाव में जाए, इसकी संभावना बनती है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये टेस्ट और ट्रायल के तौर पर पहले प्रशांत किशोर जी को देखेंगे कि क्या यहाँ इंटेलेक्चुअल का एक्सेप्टेंस सोसाइटी में है या नहीं है। अगर दिखेगा कि प्रशांत किशोर थोड़ा बेहतर कर रहे हैं तो ये भी एक अपना संगठन के माध्यम से एक दल बना सकते हैं और किसी के साथ अलायंस में जा सकते हैं, जिसको मैं समझ पा रहा हूं। चलिए आगे क्या होता है ये हम जरूर बताते रहेंगे। अरुण पांडे जी आपका, कैलाशपति मिश्रा जी आपका, प्रियदर्शी रंजन जी आपका, डॉक्टर संजय कुमार आपका, आप तमाम मेहमानों का बिहार की बात में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो ये हमारे पास जानकारी जरूर थी कि आरजेडी के तरफ से आईपीएस ऑफिसर विकास वैभव को मैसेज भेजा गया है कि मिलिए, और उन्हें कुछ ऑफर भी किया गया है, और वो मोस्ट प्रॉब्ली राज्यसभा की सीट, लेकिन राज्यसभा का चुनाव अभी तो होना नहीं है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये ऑफर प्रशांत किशोर की काट में आरजेडी विकास वैभव को दे रही है? क्या विकास वैभव इस ऑफर को स्वीकार करेंगे? क्योंकि विकास वैभव एक सामाजिक संगठन चला रहे हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, और वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनको बीजेपी के तरफ ले जाती है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में अगर बीजेपी उन्हें समुचित ऑफर नहीं कर रही है जिसके वो अपने आप को हकदार मानते हैं, तो फिर विकास वैभव क्या करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद। नमस्कार।